हाय, मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। हमारी इस सीजन की जो कलेक्शन है उसमें हमने बहुत सारे काफ्तान्स बनाए हैं एंड ऑल ऑफ यू हैव बीन लविंग दोज। बट एक्चुअल में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि काफ्तान होना कैसा चाहिए, मैं एक फिटेड काफ्तान पहनूं या फिर एक लूज काफ्तान पहनूं, मेरे काफ्तान का फैब्रिक कौन सा हो, मैं काफ्तान की लेंथ कैसी रखूं। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे फैशन और स्टाइलिंग से रिलेटेड ढेरों वीडियोज रेगुलरली अपलोड करती हूँ। काफ्तान्स कोई ऐसा नया स्टाइल नहीं है। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट अगर बोले कि काफ्तान एज एन आउटफिट कोई नई चीज़ हम डिज़ाइनर्स ने निकाली है तो ऐसा कुछ नहीं है। बट काफ्तान्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने का रीज़न वॉज जब अराउंड इन 50s और 60s क्रिश्चियन डियोर या फिर YSL जैसे बड़े डिज़ाइनर्स ने जब काफ्तान्स को अपनी कलेक्शंस में इम्प्लीमेंट किया, तब जाके काफ्तान्स को एक अलग पॉपुलैरिटी मिली। इवन उस टाइम के जो पॉप स्टार्स थे, जो पॉप ग्रुप्स जब चलते थे, उनमें से भी कुछ ऐसे ग्रुप्स रहे हैं जिन्होंने अपना एक परमानेंट आउटफिट स्टाइल ही बना लिया था। वो काफ्तान मेंस वेयर में भी पहनते थे और वुमेन्स वेयर में भी। काफ्तान्स बेसिकली व्हेन दे स्टार्टेड दे वर ओरिजिनली मेंस वेयर। जो जेंट्स होते थे वो काफ्तान्स पहनते थे, उनके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे रोब्स होते थे और बहुत बड़ी बड़ी स्लीव्स होती थी। बट ग्रेजुअली ये शिफ्ट होता गया टुवर्ड्स वुमेन्स वेयर एंड अभी ये कम्प्लीटली ऑल इन ऑल एक वुमेन्स वेयर का पार्ट गिना जाता है। एंड बहुत ही रेयरली आप किसी आदमी को काफ्तान पहने हुए देखोगे। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती, वरना आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई हमने हिस्ट्री का लेक्चर चालू कर लिया या हिस्ट्री क्लास में बैठे हुए हैं। बट थोड़ा मोटा मोटा आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। एंड आज की डेट में भी अगर इंडियन वेयर में भी देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंसेस फॉर काफ्तान स्पेशली, हम बहुत सारे रेफरेंसेस जो है मोरक्कन कल्चर से लेते हैं। मोरक्कन जो लेडीज़ होती हैं, जो अरबिक जो लेडीज़ होती हैं, उनके काफ्तान्स दे आर टू डाई फॉर। हम इंडियन फैशन में इन सब कल्चर से बहुत रेफरेंसेस लेते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो आई रिमेंबर माई मॉम वॉचिंग दो सीरियल्स ऑन दूरदर्शन। मेरे को एग्जैक्टली उस सीरियल का नाम नहीं याद है, बट आई रिमेंबर उस सीरियल में अंजू बंद्रू जी होती थी एंड शी यूज टू वेयर काफ्तान्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एपिसोड्स। उनके बेसिकली ऐसा होम लाइफ वाले घर के उनके सीन्स होते थे एंड शी यूज टू वेयर अ काफ्तान एज अ नाइट ड्रेस। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग भी, जिन लोगों ने वो सीरियल देखा है, एक तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि उस सीरियल का नाम क्या था, और अगर आप भी उस टाइम पे उनसे इंस्पायर होके आपने भी काफ्तान्स पहने थे। आई रिमेंबर मेरी मॉम इतनी क्रेजी हुआ करती थी अंजू महिंद्रू के लिए एंड पूरा मार्केट में ढूंढने जाती थी स्पेशली कि अंजू महिंद्रू वाला काफ्तान मेरे को चाहिए, जस्ट बिकॉज वो पहन रही हैं तो मुझे भी काफ्तान पहनना है। अंजू महिंद्रू जी अपने काफ्तान्स जो उनके होते थे दे वर बेसिकली इन कॉटन, ज़्यादा उनके बाटिक प्रिंट वाले होते थे या रेगुलर ऐसे प्रिंटेड कॉटन में होते थे। यू कैन इवन से कि इंडिया में काफ्तान्स को काफ़ी हद तक अंजू जी ने पॉपुलराइज किया है। बट आजकल काफ्तान्स इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, काफ्तान्स में इतनी वेरिएशंस है, हमने अपनी कलेक्शन में भी इतने अलग अलग स्टाइल्स के काफ्तान्स बनाए हैं। सम आर इन कलर ब्लॉकिंग में है, कुछ टाई एंड डाई में है, कुछ इम्पोर्टेड फैब्रिक्स में है, या कुछ ऐसे जैसा ये ड्रेप वाला स्टाइल, ये हमारा एक बहुत बेस्ट सेलर पीस है और इसमें हमने काफ़ी सारे कलर्स भी बनाए हैं। आप चाहें तो काफ्तान्स में जितनी डिज़ाइनिंग चाहें आप कर सकते हैं। फैब्रिक्स की बात करो तो जौन सा मर्जी आप फैब्रिक ले सकते हो, सिर्फ ख्याल रखो कि आपका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट हो और फ्लोई हो। अगर कोई स्टिफ फैब्रिक में काफ्तान बनाओगे तो उसकी उतनी फॉल नहीं आएगी, तो उसका उतना एक जो वो फ्लोई वाला सिलुएट है, जो उसकी ब्यूटी है, वो निकल के नहीं आएगी। तो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर शिफॉन्स, जॉर्जेट्स, क्रेप में बना सकते हो या फिर एकदम पतली जो टैबी सिल्क होती है वैसे फैब्रिक्स में, या फिर इवन जो आजकल इम्पोर्टेड फैब्रिक्स आते हैं लाइक्रास में, कुछ प्रिंटेड में कुछ फैब्रिक्स लेके आप किसी में भी काफ्तान बना सकते हो। और अगर कट्स की बात करें, काफ्तान्स में मेनली वेरिएशन ला सकते हो कि आप उसमें स्लीव्स के क्या स्टाइल्स देते हो। यस, आई एम श्योर यू आर वंडरिंग कि काफ्तान में स्लीव्स होती कहाँ है। अब अगर आपने ऐसा कुछ काफ्तान पहना है तो या इसमें कोई स्लीव्स नहीं है, बट वी हैव डिज़ाइंस जिसमें इस काफ्तान के आगे ऐसे चूड़ीदार स्लीव्स हैं, या फिर कोई हमारा डिज़ाइन है जिसमें हमने ऐसे कफ दिए हैं, या सिंपल काफ्तान की साइड को यहाँ से बंद करके एंड सिर्फ एक ऐसा की होल दे दो ऐसा आर्म होल के लिए,
ऐसे स्टाइल वाले काफ्तान्स भी आप बना सकते हैं। काफ्तान्स यूजुअली हैव अ साइड सीम, बट ओरिजिनली जो एक्चुअल जो काफ्तान्स हुआ करते थे, दे यूज टू बी अ फुल ओपन ऐसा रोब, जस्ट अ स्क्वायर पीस जो आपने ऊपर से पहन लिया, कोई उसमें बॉडी शेप नहीं है, कोई सिलुएट नहीं नज़र आता। पर अगर हम और आप देखते हैं तो हमें ऐसा लूज फ्लोइंग सा जिसमें बॉडी शेप ही नहीं नज़र आ रही है, ऐसे स्टाइल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो एक बॉडी के साथ साथ पूरा एक सिलुएट डिफाइन करने के लिए एक सीम लगा दी जाती है, एंड देन उसको और एनहेंस करने के लिए देर आर सो मेनी ऑप्शंस। माय मोस्ट फेवरेट इज एडिंग वेस्ट बेल्ट्स। मैं यूजुअली काफ्तान को, पूरा काफ्तान अगर प्लेन होता है तो उसमें कुछ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ऐसा पतले में, कभी चौड़े में, कभी कुछ टैसल्स वाली बेल्ट, मैं उनके साथ बहुत प्ले अराउंड करती हूँ। एंड देन अगर आपको कोई फॉर्मल, कोई वेडिंग वेयर बनाना है या कोई पार्टी वेयर पीस बनाना है तो आप उसको नेक को हैवी एम्बेलिश कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे इसका जो काफ्तान का पूरा एज है, चाहे यहाँ पे सिर्फ स्लीव के आसपास या पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा एज को आप पूरी चौड़ी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी के साथ एम्बेलिश कर सकते हो। आप जो चाहे स्टाइल्स आप काफ्तान्स में ले सकते हो। अगर आपको किसी सूट की एम्ब्रॉयडरी पसंद है, लेट्स से कोई अगर आपको किसी दुपट्टे का बॉर्डर पसंद है, तो वो आप निकाल के अपने काफ्तान के ऊपर उसको एम्ब्रॉयडरी, सेम वैसी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो, या उसका जो है नेक लाइन वैसा बनवा सकते हो, या आपके पास कुछ पुराने दुपट्टे पड़े हो या पुरानी साड़ीज हो, आप उनमें से भी काफ्तान्स बना सकते हैं। मेरा एक बहुत वायरल वीडियो रहा था जिसमें मैंने पुराने दुपट्टों को रीयूज करना सिखाया था, उसमें काफ्तान वॉज वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स। अगर कोई आपकी हैवी साड़ी है या हैवी बॉर्डर वाला दुपट्टा है तो उससे एज इट इज़ सिर्फ सेंटर में आप नेकलाइन बनाओ, साइड की सीम्स लगाओ, एंड एज इट इज़ दुपट्टा जो है आप एज काफ्तान यूज़ कर सकते हो। देन जो हमारे प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, दे आर अमेजिंग फॉर काफ्तान्स। एक्चुअल में जब आप कभी प्रिंट फैब्रिक ढूंढने जाओ तो उतना सुंदर प्रिंट नहीं मिलता, एंड आपके घर पे जो पुराने प्रिंटेड कहीं सिल्क के दुपट्टे होते हैं, प्योर शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं, उनके आप काफ्तान्स बनाओ तो वो बहुत डिफरेंट भी लगते हैं, एंड उसके जैसा डेफिनेटली दूसरा किसी के पास भी नहीं होगा। प्रिंट्स के अलावा आप फैब्रिक्स, डिफरेंट फैब्रिक्स को यूज़ करके कुछ ऐसा कलर ब्लॉकिंग क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक साइड पे प्रिंट ले लिया, एक साइड पे प्लेन ले लिया, या जैसा मैंने पहना हुआ है दोनों साइड पे अलग अलग कलर ले लिया, या हमारी कलेक्शन में एक है जिसमें हमने चार अलग अलग तरह की टाई एंड डाई करके एक पूरा उसका काफ्तान का पैनल तैयार करके उसमें से काफ्तान बनाया है। देन बात आती है कि आपको काफ्तान के नीचे लाइनिंग लगानी चाहिए कि नहीं। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि कुछ ओपेक फैब्रिक्स में काफ्तान्स बनाऊँ, सो दैट वी डोंट नीड टू अटैच एनी लाइनिंग या अंदर कोई स्लिप ना पहननी पड़े। बट अगर कोई शेयर फैब्रिक है, जैसे अगर जॉर्जेट है या फिर बिल्कुल एकदम पतले वाली जो शिफॉन है, उसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी के कारण एंड दूसरा थोड़ा फैब्रिक को थोड़ी जान देने के लिए, थोड़ी फैब्रिक को स्ट्रेंथ देने के लिए वी हैव टू ऐड लाइनिंग्स। इन दैट केस मैं एक अपनी पर्सनल टिप दूंगी, आप जब भी कोई काफ्तान बनवाते हो उसके नीचे कोई नॉर्मल लाइनिंग लगवाने की बजाय स्ट्रेचेबल फैब्रिक की लाइनिंग लगाओ। बिलीव मी, इट विल मेक योर काफ्तान सो कम्फर्टेबल। हम अपने क्लाइंट्स को जब उनमें स्ट्रेचेबल लाइनिंग लगा के काफ्तान बना के भेजते हैं तो उनका स्पेशली फ़ोन आता है, ये जो आपने लाइनिंग लगाई है ना, ये बहुत कम्फर्टेबल है, ये चीज़ तो हमें वीडियो में पता ही नहीं चली थी, जब हमने आपका काफ्तान पहना तो हमें पता चला कि ये पहनने को भी इतना खूबसूरत है। काफ्तान्स आर माई पर्सनल फेवरेट्स। तो इस टॉपिक के ऊपर आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन। आपको अगर इस टॉपिक पे और भी कंटेंट देखना है, और भी वीडियोस देखनी है या और भी डिज़ाइंस देखने हैं, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर बहुत सारे काफ्तान के डिज़ाइंस अपलोड करती हूँ और साथ में छोटी छोटी टिप्स बहुत फ्रीक्वेंटली देती रहती हूँ। आप अगर मेरी कलेक्शन में से किसी भी काफ्तान के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको ये सब मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। अगर आपको साइज़ चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या साइज़ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट सिलेक्ट कस्टम फिट और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। वी विल गेट इन टच विद यू एंड वील टेक योर मेजरमेंट और आपके साइज का एक परफेक्ट फिट वाला बहुत ही खूबसूरत काफ्तान बना के आपको भेजेंगे। ऐसे और बहुत से अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।